अभी जाने वाले हैं घूमने, देख रहे हैं इस बार कहाँ घूमने जा रहे हैं। और चलिए दुबक 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 चलिए अभी चाय की चुस्की ले लेते हैं। देख गाड़ी देख, अभी जा रहे हैं शक्तिपीठ जो कि बोकेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और वहाँ पे 7 जलकुंड है वो भी गर्म। चलिए दिखाते हैं जलकुंड। ये देखिए टिकट काउंटर है जो कि 5 रुपया में आप एंटर कर सकते हैं। ये रहा, चलिए अंदर। अभी हम लोग आए हैं बोकेश्वर धाम। चलिए हालत देख ही सकते हैं कैसा हो गया टोटो में बैठकर। हाँ ये देखिए अभी हम लोग जल कुंड पे आए हैं और बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है। वैसे हालत देखिए, देखिए मम्मी तो जा रही है हाथ पैर धोएगी है, चलिए हम भी चलते हैं, देखते हैं गर्म है कि नहीं है, कि धूप के वजह से गर्म हुआ है। ये है जलकुंड और बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है सही में। ये इधर देखिए इसमें सब नहाता है, ऐसे स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। ये देखिए अरे बाप रे सही में गर्म पानी है। हाँ बहुत गर्म पानी, नहाने लायक नहीं है, ठंड देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी में जो नहाएगा हालत खराब हो जाएगा। बहुत गर्म। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं बोकेश्वर धाम और ये धाम में 10 जलकुंड है। ये नाम से पाप वाला गंगा। अच्छा तो ये जो कि बहुत ही गर्म पानी, यहाँ हर एक जलकुंड में गर्म पानी रहता है। देखने से बाकी के बाबा लोग भी दिखाते हैं। ऐसा मैं शक्ति भी बड़ी का कुंड है। देखिए भी ये देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, जो है ना इतना गर्मी हालत खराब है। ये है ना अग्नि जो क्या वो तो बुलबुल निकल रहा है। अच्छा ये चावल देने से पक जाएगा, इतना ज्यादा गर्म है। अग्नि जलकुंड है ये बहुत। सो गाइस ये देखिए, हाँ सही में भाप निकल रहा है, ये इतना ज्यादा गर्म है ये अग्नि ज्वाला अग्नि ये जलकुंड है। सो गाइस ये जलकुंड टोटल 7 कुंड है और जो कि बहुत ही ज्यादा खोल रहा है वो पानी वो है अग्नि जलकुंड, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए छोटे 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 बहुत सारा मंदिर आपको देखने को मिलेगा बोकेश्वर धाम। अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं और फूल ले लिए हैं। ये रहा 20 टका का है। और इस मंदिर में आप खा कर भी पूजा कर सकते हैं, जैसे हम लोग खा कर आए थे और यहाँ पे खा के भी पूजा किया जा सकता है ऐसा पंडित जी बोल रहे हैं।
चलिए अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। चप्पल देखने चप्पल देखने चलिए अभी पूजा करते हैं। मम्मी जा रही है। आगे सब सुनिए, जान नाम से बक्तिश्वर महादेव उन्हीं नीचे आज ये परसों को प्रणाम करिए एक के बाबा बक्तिश्वर नीचे तो अच्छा लोगन एक के बाबा बक्तिश्वर नीचे सब भगवान एक का बड़ा है भक्त है भक्ते बड़ा भगवान लोटा धोलिए सब ऐसा दे बड़े खाली नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमः श्री विष्णु विष्णु नमः तत्सत् वैद्य शुभ सर्व मंगल मनस्कामन प्रणति सर्व मंगल आश्चर्य महाशय कृष्ण पुत्र तृतीय तीर्थ आप नाम गोत्र से बोलिए नाम गोत्र में बोलिए नाम गोत्र बोलिए 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 से नाम और गोत्र है देखो इतना टीका लगा लिया इतना पूजा कर लिया ना पूरा माथा भर गया टीका सही में नहीं दिख रहा दूर से ना इतना हम लोग पूजा कर लिया टीका से अनुमान लगा ही सकते हैं। हाँ तो ये खतरनाक है जान है बाकी चारों वैसे हम लोग बकेश्वर धाम घूम लिए हैं और बहुत लुटा भी गए यहाँ जो भी आएगा ना संभल के आएगा बहुत ऑनलाइन करे थे से यहाँ जो भी मतलब पैसा लेके आएगा पूरा खाली जाएगा ऐसा है बकेश्वर धाम या बंगाल देखिए अभी खाना खा लेते हैं तो गाइस अभी आए हैं जो बागेश्वर धाम घूम के आपको बहुत ही ज्यादा जानी हालत खराब हो गया और आज शाम को हम लोग ट्रेन है तो अभी जा रहे हैं सब फ्रेश होने और बहुत ही ये एरिया लूट की एरिया बहुत ही लूटा बागेश्वर धाम और वैसे अच्छा से तो घूमे नहीं वैसे पांडा लोग एक बार पीछा पड़ जाता है ना तो बस पीछे ही पड़ जाता पूरा ना दस हजार पूरा पांडा वहाँ पे लूटा बागेश्वर धाम में क्या बोलिए वैसे जो भी आइएगा सोच समझ के आइएगा वैसे लूट का एरिया है बंगाल एरिया और जो बंगला जानता है वही लोग का फायदा हम लोग हिंदी जो जानता है ना वो लोग पता चल ही जाता है ये लोग हिंदी हिंदू लोग है मतलब इन लोग को बंगला नहीं आता बोलने तो ये हम लोग से लूटता है वैसे बहुत हम लोग लूट लूटा चुके हैं
और शक्ति नहीं है, वापस जाना है घर। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय।